लेकिन उससे ना थोड़ा सा स्टूडेंट्स जरा रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि आपको होता है कि जब कोर्स मुकम्मल हो जाता है ना तो थोड़ी उदासी सी हो जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप इस तरह एक और एक्स्ट्रा सेशन होता है तो जरा उदासी कम हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह चले अल्लाह वबारे रेडी आज के सेशन के लिए फिर चले शुरू करते हैं करीम अम्मा رب لي لي صدري قولي सदरी वसरली علما اللهم اهد قلبي وسدد لساني कल्बी वसदलिसानी वसलसमत कलबी आमिर अच्छा ऐसे है कि अलहमदिल्ला मैंने कोशिश की कि जितनी भी चीज़ें हम आज कवर कर सकें अल्लाह वक्त में बरकत दे और मेरी कोशिश होगी कि हम यू नो एन आवर एंड हाफ़ में सारी चीज़ों को मुकम्मल कर लें मैक्सिमम थर्टी मिनट्स में आपके एक्स्ट्रा लूँ आ, लेकिन एक चीज है कि हम ना कम टाइम में भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा तवज्जो से हर चीज़ को सुने कुछ लोग बहुत ज्यादा जो बीच में सवाल शुरू कर देते हैं ना अब देखिए एक होता है इंटरेक्शन के टीचर के साथ साथ पॉइंट्स को यू नो अंडरस्टैंड करना अपना कॉमेंट करना यूर मोस्ट वेलकम वो जरूर करें लेकिन जब बहुत सारे सवाल साथ आ जाते हैं ना तो वो जो मेन कंटेंट है वो बाफ़ा रह जाता है तो मैं बस ये रिक्वेस्ट करूंगी कि एक दफा वितर के बारे में पूरा आप सुन लें एंड तक फिर उसके बाद इनशा अगर कोई सवाल होगा तो मैं जवाब दे दूंगी ठीक है फिर एक ही दफा आप पूछ लें ताकि साथ ही हम क्वेश्चन आंसर्स को कर लें वरना साथ साथ आप पूछेंगे तो हो सकता है कि जो सारा मेन इम्पॉर्टेंट कंटेंट है वो रह ना जाए ना सही है चलिए अलहमदुल्लह मुबारिक माशाल्लाह मुझे पता आप सब बहुत समझदार और कोऑपरेटिव स्टूडेंट्स हैं अल्लाह ताला आपकी मेहनत कबूल फ़रमाए और आप इतने शौक से माशाल्लाह इन सेशंस के लिए आते रहे अल्लाह ताला आपका आना भी कबूल करें आमीन अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बरकत फरमाए हर कदम पर आसानियां फरमाए और हमें इखलास और एहसान के दर्जे पर इबादत और अमाल करने की तौफीक दे आमीन आज हमारा रमदान स्पेशल सेशन है अल्हम्दुलिल्लाह तो इसको शुरू करने से पहले अल्लाह ताला के लिए अपनी नीयत खालिस कर लेते हैं कि हम जो भी आज सीखेंगे अल्लाह ताला की रजा की खातिर सीख रहे हैं ताकि अपनी इबादत में मजीद बेहतरी ला सके इनशा तो सबसे पहले अल्लाह ताला की मोहब्बत की दुआ सुनते हैं और फिर उसके बाद इनशा अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्ला اقرب الى حبك اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب الى حبك

और उसमें हमने अपनी यही मोटिवेशन रखनी है कि नवाफिल के ज़रिए अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करनी और ये जो मैंने आपको एक टास्क दिया था अपना एनालिसिस का इसको कहीं लिख लें और रोज आपने अपना जायजा लेना है इन शब देखना कि कितनी चीज़ों की खुद ब खुद असलाह होती जाएगी तो हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं रमजान अखलास और एहसान के साथ और माशाला आप में से कुछ स्टूडेंट्स का तो कुरान मुकम्मल भी हो गया लेकिन आपने आज भी तिलावत की ना ऐसे तो नहीं कि दौरा कुरान कम्प्लीट हो गया तो आपने तिलावत भी छोड़ दी आज भी तिलावत माशा मुबारक जो पे गुड आपने करते रहना चाहे आप जो हैं टू पे हैं चाहे आप जोज ट्वेंटी एट नाइनटीन पे हैं, आपने तिलावत नहीं छोड़ दी ठीक है अल्लाह मुबारक माशा आप जोज वन पे अच्छा एक दफा आपने कम्पलीट करके दोबारा शुरू किया अल्लाह मुबारक अल्हमद दूसरा है नमाजों की पाबंदी फर्ज नमाजें वक्त पे अदा कर रहे हैं अल्लाह का महबूब अमल है और अगर उसके साथ साथ अपने आप को बुराइयों से भी रोकेंगे तो जन्नत में ले जाने वाला अमल है गुड और आपने गैर मौकदा सुन्नतें भी पढ़ी रेगुलर सुन्नतों के साथ जोहर के बाद दो और फिर असर से पहले चार मगरिब से पहले दो गुड अब देखिए कि जैसे आदत डालने के लिए ना एक और भी आप चीज कर सकते हैं कि हफ्ते में दो या तीन दफ़ा पढ़ लें फिर उसके बाद ना आहिस्ता आहिस्ता इनक्रीज करते जैसे जैसे तौर पर असर की सुन्नतें थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि चार होती है ना और फिर बाज़ा में और भी बहुत सारे काम असर के बाद करने तो आप में भी थोड़ा जो आपका लाइटर डे है बाफ़ा होता है ना आपका खाना बना हुआ होता है और भी बहुत सारी इफ्तारी की चीज़ें रेडी होती हैं तो उस दिन आपके पास ज्यादा टाइम होता है असर के लिए तो उस दिन आप सुन्नत पढ़ लें जिस दिन ना हो उस दिन खाली फर्ज पढ़ लें तो आप ऑल्टर भी कर सकते हैं ठीक है आप देखिए कि जो आ, इन, ये जो कहते हैं कि जैसे पीरियड्स में आप कुरान पढ़ सकते हैं या नहीं इसमें ये कि दोनों ओपिनियंस हैं हमारे पास बहुत सारे स्कॉलर्स अलाउ करते हैं और वो कहते हैं कि आप मुस्फ को हाथ लगाए बगैर पढ़ सकते हैं आ, लेकिन ये है कि बहुत सारे नहीं भी अलाउ करते लेकिन ये है कि जो जो इसको अलाउ करते हैं ना वो कहते हैं कि हदीस में कोई ऐसा टेक्स्ट नहीं है जिसमें औरत को कहा गया हो कि वो हालत हैज़ में तिलावत ना करे तो ये बहुत स्ट्रॉग एविडेंस है ना क्योंकि अगर हमें हदीस में कोई ऐसी बात नहीं मिलती आप देखें ना उनके जो दलाइल हैं उसमें ये भी है कि जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि हैज वाली औरत नमाज ना पढ़े हैज़ वाली औरत रोज़ा ना रखे हैज़ वाली औरत ना करे ठीक तो अगर कुरान पढ़ना भी मना होता तो वो भी मना कर देते तो अगर उन्होंने इस तरह मना नहीं किया तो इसका मतलब है कि इसमें रुखसत है ठीक है यस yes. तो इसलिए ही कि अगर आपका दिल मानता है फिर भी आप देखें कुछ लोग कहते हैं हमारा दिल नहीं मानता फिर आप लिस्निंग कर ले चलें हम अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने इसकी तरफ चलते हैं ठीक है जो हमारा आज का गोल है अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का जरिए इंशाल्लाह और यह हदीस अलहमदुल्ला अपने पास लिख भी लें सही बुखारी सिक्स फाइव जीरो टू जब आपको लगे कि मोटिवेशन कम हो रही है फौरन इस हदीस को आपने खोलना है और अपने आप को मोटिवेट करना है कि नफल इबादतें करके अल्लाह ताला कहते हैं कि जब मेरा बंदा नफल इबादतें करता है तो मुझसे इतना नज़दीक हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता ठीक है फिर उसके बाद फर्ज की कमी नफल से पूरी करना फिर आप वुदू के बाद भी नफल या आप देखिए अपने पास ये लिख लें सारी चीजें ना ताकि जब भी अल्लाह ताला आपको मौका दे आप देखिये कुछ आपको लगता है कि कभी आपकी जिंदगी में ऐसे दिन होते हैं जब आपको बहुत आप एनर्जेटिक होते हैं और आपका दिल करता है आज मैं बहुत सारी इबादत करूं बहुत सारी नफल पढ़ूँ जैसे खासतौर तो पर आप जब ट्रैवल करके अपने घर होते हैं यू नो वहां पे फिक्रे शिक्रे नहीं होती ना घरों के कामों की या अलहमदिल्ला जब हम हज उमरे पे होते हैं तो जरूरी नहीं होता कि घर में अब अगर आप बहुत बिजी हैं बज दफ़ा कुछ सिस्टर्स के बच्चे छोटे होते हैं बच्चे डिमांडिंग भी बहुत होते हैं हर वक्त उनको कुछ ना कुछ बच्चों के काम करने तो इतना टाइम नहीं मिलता तो जब भी टाइम मिले आप इनको लिख लें कि वुदू के बाद भी नफल बुधू से पह, के बाद मैंने नफल पढ़ने हैं फिर यह कि मगरब से पहले मैंने दो सुन्नत पढ़नी है मैंने असर से यानी जब भी मौका मिलेगा मुझे तो इनशाला नीयत रखें ठीक है फिर इसी तरह आप देखिए जब मस्जिद में जाए तो हर अजान और अकामत के दरमियान नमाज ठीक है दो नफल वहां भी पढ़ लें फिर इसी तरह अम नफल नमाज में बैठने की रुख्सत है और अगर आप खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो आप कुछ हिस्सा बैठ के पढ़ सकते हैं कुछ हिस्सा खड़े होके पढ़ सकते हैं इसकी इजाजत है और आप देखिए अगर कुर्सी कुछ लोग कुर्सी पे बैठ के पढ़ते हैं कुछ लोग जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं कुर्सी तो अब इजाद हुई है ना लेकिन अल्लाह के रसूल के दौर में जो अहदीस हमें मिलती है उसमें ज्यादातर साहबा ज़मीन पर बैठ के नमाज पढ़ते थे यानी जो जिनको खड़ा होना मुश्किल होता था ना तो वो जमीन पर बैठ जाते थे एक पहले क्याम के बाद वो बाकी नमाज जैसे तशाह की पोजिशन में पढ़ते थे तो इसकी भी इजाजत है अच्छा नमाज तहजद के बारे में हमने पढ़ा था कि ये सुन्नत है फर्ज के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाली नमाज है और कितनी हम पढ़ सकते हैं दो से लेके स्काई इज द लिमिट ठीक और फिर ये कि आ कितनी आयात की हम तिलावत करें ये भी हमने देखना है आ, कल मैं ढूंढती रही मुझे ना वो हदीस आई थिंक सिस्टर सुबहत के पास है हम आखिर में आपको दिखा देंगे कि जो सो आयात की तिलावत करता ना उसको पूरी रात की इबादत का सवाब मिलता है तो हम लैल में अक्सर स्टूडेंट्स को दिखाते हैं। लेकिन कल मुझे वो हदीस मिली नहीं पता नहीं कौन सी स्लाइड्स में थी लेकिन आप देखें कि एक तो ये अजर है ना कि आयत की तिलावत के साथ क्याम करेगा आबदों में लिखा जाएगा ठीक है इरम आप प्लीज पिछले लेक्चर सुन लें उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ ठीक है और जो एक हजार आयतों की तिलावत के साथ कयाम करेगा और बे इंतहा सवाब जमा करने वालों में लिखा जाएगा ठीक है फिर इसके बाद आप देखें कि एक और हदीस मुझे बहुत कल में जब ढूंढ रही थी ना सुहा याद वाली तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीस मिल गई रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में एक मंजिल ऐसी है जिसके अंदर जिसका अंदर बाहिर और बाहर अंदर से नजर आता है। अब वो मूसा शरी रदी ने कहा कि अल्लाह के, अल्ला के रसूल ये किसके लिए आपको भी चाहिए जन्नत में ऐसा घर यानी इतना गिलास जबरदस्त कोई यहां वहां पे चीज है फरमाया जो गुफ्तु में नरमी करे यानी नरम अंदाज लहजे में बात करें खाना खिलाए आजकल तो आप ये दोनों काम कर रहे हैं खाना तो खिला रहे हैं बात भी नरमी से करते हैं। और रात को जब लोग सोए सो रहे हों तो अल्लाह के लिए कयाम करें अलहदुल्ला अब आप देखिए हम तीनों काम कर सकते हैं इनशाला बस ये कि गुफ्तु में नरमी जरा ले खाना खिलाएं खुशी से सैरी में भी इफ्तारी में भी सबको और जब कुछ हिस्सा उस वक्त भी नफल पढ़े जब घर वाले सो रहे हों ठीक है तो शाह हमें जन्नत की ऐसी मंजिल मिलेगी अच्छा अब हमने ये भी देखा कि अगर कुरान हिफ्ज़ ना हो तो क्या देख कर नफल नमाज पढ़ सकते हैं बिल्कुल पढ़ सकते हैं और इसकी दलील ये हदीस है आयश का जो अमल है कि उनका जो ग़ुलाम था वो उनको रमज़ान में उनकी अवामत कराया करता था मुझ सबसे पढ़ता ठीक है अच्छा फिर नमाज वितर हमने शुरू किया था और नमाज वितर जो है ये सुन्नत है और फिर हमने ये भी एक डिस्कस किया था कि किन नमाजों में कुरान मजीद को देख कर तलावत की जा सकती है तो सुन्नत में आप कर सकते हैं नवाफिल में कर सकते हैं तरावी में कर सकते हैं और रात की नमाज में कर सकते हैं ठीक है यानी सारी फर्ज के अलावा तमाम नमाजों में आप कुरान मजीद को देख कर तलावत कर सकते हैं और फिर इसी तरह वितर के बारे में अगरचे फर्ज नहीं है लेकिन ताकीद बहुत इसकी ज्यादा की गई जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला वितर है और वितर को पसंद करता है वितर का मतलब होता है और या ताक जैसे नहले कुरान तुम वितर पड़ा करो और अगर किसी से वितर छूट जाते हैं तो इसको छोड़ने वाला गुनागार नहीं मगर छोड़ना ना पसंदीदा और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सुरखों से बेहतर नमाज कहा फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि लोगों अपनी रात की आखिरी नमाज वितर को बनाओ ठीक है फिर हमने ये डिस्कस किया था कि राबिया जो है वो तरावी मस्जिद में अदा करती है इमाम के साथ बितर भी अदा करती है ताकि पूरी रात की इबादत का अजर पाए ठीक है जब वो सहरी के वक्त टूटती है तो उस वक्त भी नफल अदा करती कैसा कर सकते हैं ये बताए कर सकते ठीक है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में आ, मुझे फतवा भी मिल गया अहदीस में भी हमें आ, क्या पता चलता है कि इमाम के साथ वितर अदा करना पूरी रात के कयाम का सवाब और अगर कोई इमाम के साथ वितर अदा नहीं करता तो उसको आधी रात के कयाम का सवाब है यानी दोनों सूरतों में आपको देखें आपको अजर मिलेगा ठीक है अच्छा अब आप देखिए एक और सवाल था कि अगर इमाम के साथ बितर पढ़ लें तो क्या सहरी के वक्त नफल के बाद दोबारा बितर पढ़ेंगे नहीं ठीक है और इसमें अलहमदुल्ला मैंने थोड़ा सर्च किया तो मैं आपको थोड़ी सी इसके फतावाज भी बता देती हूँ कि अगर वितर पढ़ लिए तो बाद में नफल पढ़ सकते हैं सुन्नत यह है कि जो रात के अव्वल हिस्से में बितर पढ़ ले और आखिरी रात में क्याम करे उसे चाहिए कि उसके लिए जितना आसान हो वो वितर के बगैर दो दो रकत करके पढ़ता जाए ठीक है यानी कोई हर्ज नहीं आप कर सकते मगर वितर आप एक ही दफा पढ़ेंगे इब्ने बाज कहते हैं कि जब आपने अवल हिस्से में वितर पढ़ लिया हो फिर अल्लाह आपके लिए आखिरी पहर में क्याम करना आसान कर दे तो अल्लाह आपको जितनी तौफीक दे आप दो दो करके रकात पढ़ते जाए लेकिन वितर ना पढ़े ठीक है ये बेशक आप इनका ये फतवा का नंबर भी लिख लें अल्हम्दुलिल्लाह ये बात प्रूवन है कि एक दफा वितर पढ़ लिए तो दोबारा वितर पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप बाद में नफल पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं आप देखिए कई दफा ऐसे होता है ना कि आपको लगता है कि मेरी आंख नहीं खुलेगी नमाज नफल के लिए ना तो मैं वितर पढ़ के सो जाऊं होता है ऐसे आपके साथ तो आप क्या करते हैं आप ईशा के साथ ही वितर पढ़ के सो जाते हैं फिर क्या होता है कि आप फजर से पहले उठ जाते हैं आधा घंटा पहले या पंद्रह मिनट पहले अब आप कहते हैं पंद्रह मिनट है तो क्या करूं चलो दो नफली पढ़ तो आप पढ़ लें कोई हर्ज नहीं ठीक है तहजद का वक्त है दुआओं की कबूलियत का वक्त है और नमाज सबसे बेहतरीन अमल है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं अच्छा फिर टाइम फॉर वितर हम ये कर रहे थे कि वितर का वक्त क्या है तो इसमें आयशादी की जो हदीस है कि नबी वसल्लम ने सभी औकात में वितर पढ़े ठीक है शुरू में यानी ईशा के साथ भी दरमियान में आधी रात को भी और आखिर में लेकिन आखिरी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भीतर सहरी के वक्त होने लगे थे ठीक है अच्छा अब आप देखिए कि फिर हमने देखा कि अबू बकर हो और उमर सालन हो का जैसे अमल नजर आता है कि अबू कतादा रदी अल्लाह से मरवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रदी अल्लाह से पूछा तुम वितर किस वक्त पढ़ते हो उन्होंने कहा मैं वितर रात के अव्वल हिस्से में पढ़ता हूँ और उमर अदी से पूछा कि तुम वितर किस वक्त पढ़ते हो उन्होंने कहा मैं रात के आखिरी हिस्से में पढ़ता हूँ यानी शायरी से पहले आपने अबू बकर के मुतल फरमाया इसने एहतियात को इख्तियार किया और उमर अदी के बारे में फरमाया इसने अजम कुत को इख्तियार किया इस हदीस में आपने से आपने क्या सीखा ये बताइए कि अगर कोई पहले पढ़ लेता या बाद में पढ़ लेता अल्लाह ताला के पास उसका अजर है ना और दोनों ठीक है क्योंकि आप देखिए इबादत हम किसके लिए कर रहे हैं अल्लाह के लिए और दूसरा ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को इनकरेज किया है यानी ऐसे नहीं कहा कि ये जो अमल है ज्यादा पसंदीदा है ये नापसंदीदा है बिल्कुल यानी अबो बकर पहले क्यों पढ़ लेते थे एहतियातन કેસાનો આકના કોલે ઉમર એસાલા નો ચુકી જ્યાદા ઉનકે લિયે ઈઝી થા આપ દેખે અભી ભી માશાલ્લા કુછ લોગો કે લિયે તહજ્જຸດ કી નમાઝ બહોત આસાન હે રાત કે બાદ ઉઠના લેકિન હર એક કે લિયે નહીં આસાન હોતન કુછ કો નીંદ કા મસલા હોતા હૈ કુછ કો ઓર યુ નો થકે ہوئے ઇતને હોતે હૈ તો ઇસલિયે દોનો ચીજે અલાઉડ હે યે નહીં કે અગર કોઈ પડ લેતા હે તો ઉસકા સવાબ કમ હો ગયા ઓર કોઈ નહીં પડતા તો ઉસકા સવાબ જો હે વો જ્યાદા હો ગયા अल्लाह ताला के लिए पढ़ लें दोनों चीजों की इजाजत और आप अलैहि वसल्लम ने दोनों अमल जो है उनको इनकरेज किया इनकरेजिंग रिमार्क्स दिए दोनों के लिए ठीक है अच्छा अब ये है कि वितर का वक्त खत्म कब होता है ना इब्ने उमर अदीलामा से रिवायत है कि नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब फजर तुलू हो जाए तो तहज्जुद और वितर का सारा वक्त खत्म हो जाता है लिहाजा फजर के तुलू होने से पहले वितर पढ़ लिया करो अब आप देखें कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं ना कि क्या तहज की नमाज जो है वो फजर की अजान से पहले पढ़ सकते हैं जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं अगर आप पंद्रह मिनट पहले उठें आधा घंटा पहले उठें और आपके पास वक्त है दो नफल पढ़ने का वितर पढ़ने का तो आप पढ़ सकते हैं लेकिन वितर का टाइम खत्म कब होता है जैसे ही फजर की अजान होती है सही फिर इसी तरह यह कि बेस्ट टाइम फॉर बितर कौन सा है जाबिर रदी सरवाए तो उन्होंने कहा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे तुम में से जिसे ये खदशा हो कि वो रात के आखिर में नहीं उठ सकेगा तो वो वितर पढ़ ले फिर सो जाए और जिसे रात को उठ जाने का यकीन हो वो रात के आखिर में वितर पढ़े क्योंकि रात के आखिरी हिस्से में कि रात के वक्त हाजिरी दी जाती और ये अपजाए अब आप देखिए अगेन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जिसको ये शक है कि वो नहीं उठ पाएगा यानी आप देखें ना बावती थकावट होती है या तबीयत ठीक नहीं होती तो आपको लगता है नहीं उठा जाएगा तो आप पढ़ के सो जाए यानी ये नहीं है कि फजीलत किसी की कम होगी हाँ ये है कि अजर ज्यादा है तो रमजान में तो सभी उठ रहे हैं ना हम अब यह है कि अगला सवाल जहन में आता है कि वितर पढ़े कैसे ना इबर है नमाज किस तरह अदा की जाए आप वसल्लम ने फरमाया दो 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 रकत यानी जो नवाफिल है तहजद के या इशा के बाद जो आप नफल पढ़ते हैं, वो दो, दो करके फिर जब तुम्हें सुबह हो जाने का अंदेशा हो तो एक रकत वितर पढ़ लो वो तुम्हारी पढ़ी भी साबका नमाज को ताकत में तब्दील कर देगी ठीक है यानी दो दो रकत पढ़ लो जितनी भी तुम्हारे अंदर इस्तात है फिर आखिर में क्या करो एक वितर पढ़ के उसको ऑर्ड कर दो ताक कर दो अब आप देखिए अगर आपने तीन वितर पढ़ने तो उसका क्या तरीका दो रकत नमाज पढ़े और सलाम फेर दे फिर खड़े हो एक रकत पढ़े रुकू के पहले या बाद में दुआ कनूत पढ़े फिर आपके दोनों से जूद होंगे तिशाद और तस्लीम ठीक है यानी आपने पहले दो नफल पढ़े पूरे आ, सलाम फेर दिया फिर आप खड़े होके एक रकात पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आप सलाम फेर देंगे ठीक है अब किसी ने कहा कि हमारे इमाम साहब जो मगरिब की तरह पढ़ाते हैं अब देखें कि जब आप मस्जिद में ना फिर आप इमाम को फॉलो करें वो जैसे भी तक पढ़ा रहे आप गुनागार नहीं तो आप मसलन उनको फॉलो करें ताकि पूरी रात की इबादत का सवाब पाए अब आप देखें कि तीन वितर आप कैसे इकट्ठे कैसे पढ़े ठीक है तीन रकत नमाज पढ़े दो रकत के बाद तशाहुद के लिए ना बैठे तीसरी रकत में दुआ दौा, कनूत सुजूद तिशाह तस्लीम ठीक यानी आपने पहली रकात पढ़ी दूसरी पढ़ी इसमें आप तिशाहुद में नहीं बैठेंगे और फिर आपने तीसरी रकात के लिए आप खड़े हुए तीसरी रकात में फिर आप दुआए कनूत पढ़ेंगे और फिर आप एक तशाहुद के साथ ये आपके बितर कंप्लीट हो गए ठीक है मैंने आपसे कहा था ना कि सबर थोड़ा सा कर ली प्लीज ये आ रहा है आगे पहले टॉपिक कंप्लीट करने देना है इसमें, अच्छा अब ये कि पांच वितर कैसे पढ़े तशाहुद आपको नहीं पता क्या होता है? जो पढ़ते अल्लाह रहा बयान फरमाती रसूल वसल्लम फजर की सुन्नतों समेत तेरह रकतें पढ़ा करते थे छह रकते दो, -दो करके पढ़ते फिर पांच वितर पढ़ते और इनमें सिर्फ एक सिर्फ आखिर में ही बैठते तो आप पांच वितर भी पढ़ सकते हैं ये भी सुन्नत से साबित है पांच वितर कैसे होंगे पहली रकत आपने पढ़ी फिर दूसरी पढ़ी फिर तीसरी पढ़ी चौथी पढ़ी किसी में आप तशाउद में नहीं बैठेंगे ठीक है यानी आप अत्यात नहीं पढ़ेंगे और फिर पांचवी में आप बैठेंगे और फिर उस उस पांचवी में आप दुआ कनूत भी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आप सलाम फेर के अपनी रिकात कंप्लीट कर रहे क्लियर हो गया जी हाँ नीयत तो आप देखें दिल में होती ना फिर आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौ वितर भी पढ़े अब्दुल्ला बिन नबी कैस कहते हैं कि मैंने आशा रदी से पूछा कि रसूल वसल्लम कितनी रकतों पर वितर बनाते थे उन्होंने फरमाया चार तीन यानी सात पे और तीन पर यानी नौ आठ और तीन यानि ग्यारह दस और तीन यानी तेरह लेकिन तेरह रकतों से ज्यादा और सात से कम पर वितर नहीं बनाते ठीक और फजर से पहले की दो रकतें नहीं छोड़ते थे अब आप देखें कि सात वितर आप कैसे पढ़ेंगे इसी तरह आप छे रकत पढ़ेंगे और फिर आखिरी जो आपकी सातवीं रकत होगी ना उसमें भी बैठ के आप अतियात और दुरुज श्री और फिर दुआएं पढ़ के आप सलाम फेर ओके फिर इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर में कौन सी आयात तिलावत करते थे उबई बिन काब रदी अल्लाह से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन रकात वितर पढ़ते पहली रकत में सब्बिह इस्मा आला ये कौन सी सूरत है ठीक है पहली रकत में ये दूसरी में कुल या युल का फिर और तीसरी में कुलअल्ला अगर आपको याद नहीं है ना तो आप देख के भी पढ़ सकते हैं कुरान से सुन्नत पे अमल के लिए अच्छा अब आप देखें कि आपने सारा सुन लिया ना एक तीन पांच सात नौ अब कितने वितर पढ़ेंगे आप तो भी ज्यादा भी पढ़ लें ठीक है तीन या पांच ठीक है यानी ये सब नंबर सुन्नत से साबित है फिर अब ये है कि दुआए कनुत हम किस वक्त पढ़ें? उबई बिन काब रदी अल्लाह से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर पढ़ते तो रुकू से पहले दुआए कनुत पढ़ते थे ठीक है तब आप देखें एक तो ये सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की पहली रकत में सूरह लाला दूसरी रकत में सूर्य काफिरून तीसरी रकत में सूर्य क्लास ठीक अच्छा अब एक और जो मेरा सवाल है आपसे आप, आप ना रिकॉर्डिंग सुन ले मैं बता चुकी हूँ पीछे क्या वितर में दुआए कनूत पढ़ने से पहले पहले तकबीर की तरह हाथ उठाएंगे कुछ कह रहे यस कुछ कह रहे नो नहीं उठाएंगे सुन्नत से साबित नहीं है अब देखे तो दुआ आप कर रहे हैं तो तकबीर क्यों अब आप देखें कि ये इसके बारे में आप क्या कहते हैं पढ़ने से पहले तकबीर के लिए हाथ उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नमाज में हाथ उठाने की चार जगह तकबीरतलहराम कहते वक्त नमाज शुरू करने की तकबीर यानी एक तब आप हाथ उठाते रुकूब ए रुकूब करते वक्त रुकू से उठते वक्त पहले तशाह के बाद खड़े होने पर नमाजी के लिए इन चारों के अलावा किसी और मुकाम पर हाथ उठाना मशरू नहीं है यानी शरीयत से साबित नहीं अब कि क्या आप पूरा साल इमाम के साथ ही ईशा पढ़ते हैं और बितर पढ़ते हैं ये मुझे बताएं पूरा साल आप मस्जिद में माशाल्लाह ईशा पढ़ते हैं जब आप मस्जिद में पढ़ेंगे तो जिस तरह इमाम करें आप वैसे करेंगे लेकिन जब आप घर में पढ़ेंगे तो फिर आप सुन्नत के मुताबिक पढ़ने की कोशिश करें ठीक है ये बात क्लियर है सबको क्योंकि आप देखें कि आप अगर मस्जिद में गए ना तो आप इमाम को फॉलो करेंगे जैसे भी वो नमाज पढ़े आप उसी तरह पढ़ेंगे लेकिन जब आप घर में अकेले पढ़ें तो फिर आप उस तरह पढ़ें जिस तरह सुन्नत से साबित है ओके अब एक सवाल ये आता है कि दुआए कनूत कब पढ़ें क्या वितर में दुआए कनूत पढ़ते हुए हाथ उठाएंगे दुआ की तरह शाबाश जरूरी नहीं है ठीक है अगर कोई उठा लेता है तो हर्ज नहीं है लेकिन ऐसा चीज सुन्नत से साबित नहीं है उमर साल का यह अमल है वितर में दुआ की तरह हाथ उठाना उमर अदी से साबित है लेकिन नबी वसल्लम ने नहीं उठाया ठीक है अब यह है कि दुआए कनूत कब पढ़े दोनों तरह पढ़ने की इजाजत है कुरान की तिलावत के बाद रुकू में जाने से पहले और रुकू में कौमा की दुआओं के बाद यानी समय कल कहने के बाद फिर आप दुआ कनूत पढ़ सकते हैं। अब आप देखिए कि जो सहाबा कराम रुकू से पहले पढ़ते थे वो किस लिए करते थे वो इसलिए करते थे कि जो लेट आए ना नमाज में तो उसको वितर की रकात मिल जाए तो वो उसमें दुआएं करते थे ताकि यू नो जो लेट आए उसको वितर मिल जाए और जो बाद में पढ़ते थे जाहिर है सुन्नत तो ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका था कि रुकू के बाद पढ़ा करते थे आप देखें कि अब आपने कहा ना वो अल्लाह तला किसी का भी हाथ नहीं आ, हाथ उठाना दुआ में आप देखें कि मुस्तहब है लेकिन मैंडेटरी नहीं है यानी अगर कोई इंसान दिल में दुआ मांग रहा है और हाथ नहीं उठा रहा तो आपके ख्याल में अल्लाह ताला उसकी दुआ नहीं सुनेंगे क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दुआ से पहले हाथ उठाए नहीं यानी आप देखें कि सुबह जागने की दुआएं हैं फिर रात को सोने की दुआएं हैं खाने से पहले की दुआएं हैं वॉशरूम जाने की दुआएं हैं तो हर दुआ में हाथ उठाना जरूरी नहीं है तो इसलिए अल्लाह ताला तो हर हाल में हमारी दुआएं सुनता है दुआ के लिए जो चीज रिक्वायर्ड है ना वो इखलास है तो इसलिए अगर कोई मित्र में हाथ उठा लेता है तो भी अल्लाह उसकी दुआएं सुनेंगे नहीं उठाता तो भी अल्लाह उसकी दुआएं सुनेंगे ठीक तो है तो परेशान ना हो इसकी वजह से अच्छा अब यह है कि कौन सी दुआ पढ़े होरा से रवायत है उन्होंने कहा हसन बिन अली रजी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ कलमात सिखाए जिन्हें मैं या वितर में कहा करूं और वो कौन से हैं अल्लाहु महदीनी फी मन हदई ये वाली आती है, आप, आप कौन सी पढ़ते हैं वितर में Mein, Chlienia, الحمد لله اسكي میں آپ کو ريسايتشن سنواتي هماري شيخ کی عواز میں تاكي آپ اپنى تلفز بي درست کرلين تيكي سنتي اسكو بسم الله اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك في ما عطيت وقني شر ما قضيت إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتِ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتِ الحمد لله هذا هو دعاء قنوط يمكنكم فعله

अच्छा अब ये है कि हुदा ने वितर पढ़े मगर इनमें दुआए कनूत पढ़ना भूल गए क्या वो दोबारा वितर पढ़े या सजूदा साहब करे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ठीक है क्योंकि अब आप देखें ये इस्लाम क्यूँ मैं आप जाके फतवा पूरा पढ़ सकते हैं काफी डिटेल था लेकिन मैंने उसका खुलासा निकाला बेहतर यह है कि वितर में कनूत मुस्तकिल ना की जाए यानी हर वितर में कनूत ना पड़े बल्कि बाज बाजाओका करें क्योंकि ये रसूल करीम सल वम से साबित नहीं कि हर दफा उन्होंने दुआ नहीं पढ़ी बल्कि आप सल वम ने हसन बिन अली रदीम को कनूत वितर में दुआ करने के लिए सिखाई थी ठीक है तो इसलिए आप देखें कि अगर वितर जो है ना वो ऑर्ड है यानी दुआ कनूत जो है वो मैंडेटरी नहीं है वो तो दुआ है ना तो अगर दुआ पढ़ ली तो ठीक है नहीं पड़ी तो भी आपकी आपके वितर हो जाएंगे आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है अब ये है कि वितर के बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे ये एक और दुआ है उबे बिन काब से रिवायत है कि रसूल वसल्लम तीन रक्त वितर पढ़ते फिर जब फारग होते तो फिरागत के बाद तीन दफा सुबहानल मलिकुल कुस आसान से उसको याद कर ले वहाँ के बादशाह निहायत मुकद्दस पढ़ते आखिरी मर्तबा लंबा करके पढ़ते ठीक है तो ये आपने तीन दफा कहना है मलिकुल कुद्दूस, सुबह यानी अल्लाह की हमद करनी है अच्छा अब अगला सवाल ये है कि अगर आपका वितर मिस हो गया ठीक है यानी आप रात को सोए और आप नीयत करके सोएके वह बितर पढ़ूंगी और फिर अलार्म नहीं बजा बचा आशरदू से रवायत है कि जब रसूल वसल्लम की रात की नमाज बीमारी या किसी और वजह से रह जाती तो वो दिन में बारह रकतें पढ़ लेते अब आप देखें वितर को मेकअप करना थोड़ा सा डिफरेंट है आम नमाजों से ठीक है जैसे आप बाकी तो नमाज मिस करते हैं तो उतनी ही पढ़ते हैं ना जैसे आप देखें अगर फजर के फर्ज मिस हो गए तो फिर आप दो फर्ज ही पढ़ेंगे जोहर के मिस हो गए तो चार ही पड़ेंगे वितर थोड़ा सा डिफरेंट है अब आप देखें कि आपने अः के लिए आपने रात को सोए आपने कहा कि मैं ना तहजद के साथ वितर पढूंगी इंशाला और फजर की अजान हो गई है अब आपकी आंख खुली उस वक्त अब आप कहते हैं अस्तखरुल्ला ये क्या हुआ मैं तो वितर ही नहीं पढ़े तब आप क्या करेंगे आप दोहा टाइम तक वेट करेंगे अब आप कि बितर की कितनी रकात आप पढ़ेंगे अगर आप एक बितर पढ़ते हैं, तो आप दो पढ़ेंगे कुछ कल थर्टी जुज हो गया ना उसके बाद दौरे कुरान में आपने क्या पढ़ना था और दौरे कुरान में थर्टी जुज ही होते ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल थर्टी जुज होके आप शायद कल नहीं आई थी तो आज दौरे कुरान दोबारा तो नहीं होगा बस वो एक ही दफा होता है पूरा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अब आप देखिए अगर आप एक पढ़ते हैं बितर तो फिर आप दो पढ़ेंगे उसकी कजा में अगर आप तीन पढ़ते हैं तो आप चार पढ़ेंगे अगर आप पांच पढ़ते हैं तो छह पढ़ेंगे समझ के बितर की कजा कैसे होगी चल गुड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना असल में ये हाथ उठा आप देखें कि दुआ के लिए आप हाथ उठाएं तो बस अब जैसे आप आम हाथ उठाते हैं अपने सीने तक अगर अगरचे ये चीज़ सुन्नत पे नहीं है इस चीज में बहुत चीजें नहीं मुझे मिली कि हाथ आपने कितने उठाने लेकिन ये है कि जो इजाजत देते हैं वो कहते हैं कि सीने तक जैसे आम हम हाथ उठाते हैं दुआ के लिए ओके अच्छा ठीक है अच्छा अब आप देखिए कि अलहमदुल्ला हमने अब तर पढ़ ली अब हमारी फजर का टाइम हो गया और जो जो लोग लेट आए तो आप रिकॉर्डिंग में सुन लें अल्हमदिल्ला मुझे नहीं लगता कि वितर में कोई भी ऐसी चीज है जो हमने मिस की है अल्लाह का शुक्र है सारी चीजें हमने वितर में कवर कर ली है ठीक है अच्छा अब आप देखिए कि अब आपने वितर पढ़ लिया अलहमदुल्ला अब शहरी का टाइम है तो अब क्या करेंगे आप कि आप इस्तेफार करेंगे ठीक है रसूल ने फरमाया कि हमारा बुलंद बरकत वाला है हर रात को उस वक्त आसमानी दुनिया पर आता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है वो कहता है कोई मुझसे दुआ करने वाला है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं कोई मुझसे मांगने वाला है कि मैं उसे दूं कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला है कि मैं उसको बख्श दू अब आप देखें कि आप पता क्या किया करे सुबह जब आप उठते हैं ना सहरी के लिए तो आप अल्लाह ताला से क्या कहा करें कि अल्लाह मैं हूं दुआ करने वाली मेरी दुआ कबूल कर ले मैं हूँ मांगने वाली या अल्लाह मुझे ये ये चाहिए मैं गुनागार हूँ मेरे गुनाहों को, को माफ कर कि अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कोई है कोई है तो आप जवाब दे अल्लाह अल्लाह मैं हूं मैं हूं मुझे ये चाहिए यारब मुझे ये मेरी हाजत है ये मेरा मसला है मैं बहुत गुनागार हूँ यार मुझे माफ कर दे ठीक है आप देखना कितना अच्छा आप फील करेंगे फिर आप देखिए एक और चीज जो अलहमदुल्ला हमें इस दफा ये हदीस मिली तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी कि हम सबको ये तो पता है अलहमदल के तहज के वक्त जो है वो इस्तफार करना चाहिए लेकिन आप देखें कि सदका भी करना चाहिए रसूल सल्म ने फरमाया आधी रात या रात के आखिरी तिहाई के वक्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता और कहता है कौन मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं या मुझसे सवाल करे कि मैं उसे अता करूँ फिर फरमाता है कौन इस दाद को कर्ज देगा जो ना मोहताज है और ना हक मारने वाली है अल्लाह यानी एक तो अल्लाह ताला ये कहते हैं ना कि कौन मुझसे दुआ करेगा उसकी दुआएं कबूल करूँ मुझसे सवाल करे मैं उससे अता करूँ और साथ ही क्या है कि अल्लाह तला को कौन कर्ज देगा यानी कौन अल्लाह ताला के तस्ते में इसको खर्च करेगा तब तो आपने क्या करना है कि कुछ आपने सदका भी उसका करना है तहज के टाइम ठीक है अभी इन हमारे क्यामल लैहल के प्रोग्राम होते हैं तो उसमें हम जरूर स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप सदका करें तो आप अगर उसमें नहीं शामिल होंगे तो अपनी जो आपकी सहरी का टाइम है ना या क्यामल लैल वाला टाइम है आपका उस टाइम जरूर सदका करें अच्छा अब आप देखें कि साजिद जो है वो फजर नमाज फजर की नमाज घर ઘરી મેં દઆ કરના પસંદ કરતા ક્યોકી ઉસકો ફજર કે બાદ ખબરે પડને કા શોક હે ક્યા ય દુરસ્ત હે અબ દેખે مردો કો તો મસ્જિદ મે પડની ચાહે કે મસ્જિદ કરીબ હે બહોત દૂર હે તો અલગ બાત હે લેકિન કરીબ હે તો જરૂર જાયે અબ આપ દેખે કે વો જો લોગ હે ના જિન્હોને বিতરને પડે થે ઇમામ કે સાથ તો વો અગર ફજર પડ લેતે ના તો ઉનકો પૂરી રાત કે કયામ કા સવાબ મિલ જાયેગા उस्मान बिन अफान से रिवायत है कहते हैं कि रसूल ने फरमाया जो ईशा की नमाज के लिए जमात में हाजिर हुआ उसके लिए निस रात के क्याम का सवाब है और जिसने फजर और ईशा की नमाज बाद जमात पढ़ी उसके लिए पूरी रात के कयाम का अजर अच्छा ये अजर हम कब हासिल कर सकते हैं जब हम इंशाल्लाह उमरा या हज पे जाए ठीक है कुछ लोग वितर के साथ ऐड कर लेते हैं जी आप देखें कुछ हुमा उसकी इजाजत देते हैं कैसा किया जा सकता है ठीक है तो ताला एक तो आपने आप अपने अस, सारा स्केडूल बनाना अपने नवाफिल का कितने नफल आप पढ़ेंगे इशा के बाद कितने पढ़ेंगे सैरी में कितने पढ़ेंगे और वितर आप कितने पढ़ेंगे कोशिश करें कि तीन से ज्यादा भी कभी कभी वितर पढ़े सुन्नत के अमल की नीयत से ठीक है अच्छा अब हमारा जो थर्ड गोल है वो है दुआ का अलहदुल्ल और दुआ भी आप देखें बहुत जरूरी है ये भी हमें करना है हमारा तीसरा गोल है अलहमदुल्ला हमने आ, कुरान को अपना दोस्त बना लिया हमने अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए नवाफिल अपनी जिंदगी में ऐड कर लिए और आप देखें नवाफिल में सब चीज़ें शामिल हैं सुन्नत भी और सुन्नत भी नफल की कैटेगरी है लेकिन सुन्नत उसको कहा जाता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत रेगुलरली पढ़ी उसकी भी आगे दो कैटेगरीज हैं आप में से जो लोग सिर्फ आ जाए या कुछ सेशन मिस किए तो पिछली रिकॉर्डिंग सुन लें अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें काफी दफा डिस्कस हुई अल्लाह का शुक्र है सवालों जवाबों में ठीक है तब हमने दुआ करनी है अल्लाह ताला से दुआ के जरिए अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत करना है और आप देखें कि अल्लाह सब ने कुरान मजीद में फरमाया साला फाइन्नी और ए उसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ लिहाजा इन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लबैग कहें और मुझ पर ईमान लाए और तो ये बात तुम इन्हें सुना दो शायद किराए रास पाल में ठीक है तब आप देखें कि अल्लाह ताला से जब भी हम कोई बात करते हैं अल्लाह ताला से हम मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुनते हैं और इसी तरह आप देखें कि बाज़ा होता है ना जिंदगी में बहुत परेशानियां होती हैं मुश्किल होती हैं और आप बहुत बेचैन होते बेकरार होते हैं उस वक्त भी उस वक्त भी करने का काम क्या है अल्लाह से दुआ मांगे युजीबुल कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है जब वो उसे पुकारे और कौन उसकी तकलीफ दूर करता कौन है ये बताए अल्लाह ताला है बिल्कुल अच्छा आप देखें कि रिकॉर्डिंग्स का कुछ लोग पूछ रहे हैं आप यूट्यूब डॉट कॉम पे जाए और उसमें आप टाइप करें एट अलहुदा ऑनलाइन ठीक है उसमें आपको अलहुदा ऑनलाइन का चैनल नजर आएगा फिर प्ले लिस्ट में जाए प्ले लिस्ट में आपको दौरे कुरान ट्वेंटी ट्वेंटी फोर की रिकॉर्डिंग्स की प्ले लिस्ट मिलेगी उसमें पूरे थर्टी लेक्चर्स हैं और इसी तरह कोई नमाज पूछ रहा है किशा की नमाज का वक्त कब खत्म होता है आधी रात में खत्म हो जाता है सलाह के लेक्चर सुन लें उसमें औकात नमाज में बहुत डिटेल से डिस्कस हुआ है इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा अलहमदुल्ला सिस्टर सबात ने लिंक भी दे दिया प्ले लिस्ट में जाके आप सारी चीजें वहां से ढूंढ सकते हैं अलहदुल्ला उसमें बहुत खजाना आपको मिल जाएगा जो फ्री ऑफ चार्ज आपके लिए अवेलेबल है ठीक है आप हमने चैनल में शेयर की थी सलाह की लिस्ट प्लीज आज हम इन चलिए सारी प्ले लिस्ट आपसे दोबारा शेयर कर लेंगे ठीक है अभी दुआएं मांग लें ताला से ठीक है चले अब आप देखें कि नबी वसल्लम ने फरमाया दुआ इबादत है यानी Uh, ये खास तौर पे हदीस उन सारी सिस्टर्स के लिए है जिनकी आखिरी अशरे में नमाज नहीं होगी ठीक है तो इसलिए आप देखें कि अगर आप आखिरी अशरे में नमाज नहीं पढ़ सकते तो दुआएं मांगे खूब क्योंकि दुआ भी इबादत है तो आपने बिल्कुल डिस्करेज नहीं होना और ना ही आपने दुखी होना है ना आपने रोना है क्योंकि आप देखें मुझे ना एक स्कॉलर की जो बात बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि ज़ाहिर हम सबके साथ ही ऐसा होता है कि कभी बिल्कुल पूरा आखिरी अशरा इसमें चला जाता है तो उन्होंने कहा था कि जब ऐसा होता है ना और आप नमाज नहीं पढ़ते तो आप अल्लाह ताला की अतात कर रहे होते हैं क्योंकि आप देखें किसने आपको कहा कि आप हैज के दौरान नमाज ना पढ़ें अल्लाह के रसूल ने हमें बताया ना ये तो जब आप इस हालत में नमाज नहीं पढ़ते रोजा नहीं रखते तो आप अल्लाह ताला की अतात कर रहे हैं अल्लाह के रसूल की, की अतात कर रहे हैं तो फिर आप दुखी क्यों हैं जब उनकी आप बात तो ये कम अजर की बात है और दूसरा आप देखें कि आपने जितनी भी नीयतें की है ना के क्यामल के बारे में इनशाला वो आपको सारा अजर मिलेगा अगर आपकी नफल पढ़ने की नीयत है तो आप अजर पाएंगे कि के दिन आप के जाएं। लेकिन आप देखें कि आप सिर्फ क्या नहीं करें? सिर्फ आप नमाज नहीं पढ़ सकते ना। बाकी आप देखें आप दुआएं मांग सकते हैं आप अस्कार कर सकते हैं आप कुरान की तिलावत सुन सकते हैं आप कुरान पढ़ भी सकते हैं अपने फोन से आए से उसकी मैंने आपको बताया ना कि इजाजत देते हैं उसकी ठीक है अच्छा अब ये है कि एक सवाल ये भी जहन में आता है कि अच्छा रमजान में क्यों दुआएं करें ठीक है चाहे आपकी नमाज है या नहीं है आपने दुआएं तो आप करेंगे ना तो बिल्कुल दुखी नहीं होना बिल्कुल परेशान नहीं होना अल्लाह से बहुत सारी दुआएं करनी है नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन लोगों की दुआ रद्द नहीं होती बाप रोजादार और मुसाफिर चाहे ये रोजादार रमज़ान का है चाहे ये रोजादार नफल रोजे वाला जब आपने रोजा रखा है आपकी दुआ कबूल होती है तो जो आपके रोजे छूट जाएंगे ना जब आप दोबारा रखेंगे तो भी आप इसी कैटेगरी में आएंगे कि आप वो रोजादार हैं जिसकी दुआ कबूल होती तो जो आपको लगता है आप कमी रहेगी तब पूरी कर पर इसी तरह आप देखें कि ये बहुत ही जबरदस्त हदीस है मुबारक के हर दिन और रात में ऐसे लोग होते हैं जिनको अल्लाह आजादी अता फरमाता है और हर मुसलमान के लिए एक दुआ है जो वो करे और वो कबूल हो इंशाल्लाह यानी एवरी डे आपकी ना एक दुआ कबूल होती है जी हाँ इवन नफर रोजे में और रमजान में तो खास तौर पर हर रोज एक दुआ कबूल होती है अगर नमाज नहीं भी पढ़ रहे ना तो अगर यानी पीरियड्स की वजह से तो फिर दुआएं तो कसरत से करें इंशाल्लाह अच्छा अब आप देखें कि बाज दफ़ा जिसे एक और मैं चाह रही थी हम थोड़ा सा ये चीज़ डिस्कस कर लें कि जो नमाज में हमें वसव से बहुत आते हैं और ये वसव से बाज़ दफ़ा क्या होते हैं कि बहुत सी मामूली बातें जो हमें डिस्टर्ब करती हैं ना यानी आप मुसलसल उनके बारे में सोचते हैं नमाज में उन्हीं चीज़ों का ख्याल बार बार आता है तो अब आप क्या करें कि एक तो आप देखें कि सूर्य फातहा से पहले इसमें से कोई भी तवुज़ पढ़ लें और नमाज से पहले भी आप आयतन कुर्सी सूर्य फलक सूर्य नाश पढ़े ताकि अब थोड़ा सा फोकस हो सके लेकिन आप जैसे सूर्य फातह से पहले जरूर आउजिल्लाशीतवान रजीम या आप पढ़ सकते हैं आउज बिल्लाम मिन शैतवान रजीम आउज बिल्लाशैतवान रजीम मिन हमजे ही व नफ ही व नफसे ही ये तीनों दुआएं जो हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं कि आप सल्म सुर फातह से पहले पढ़ते थे तो अगर आपको नमाज में बहुत आते हैं तो जरा शुरू के साथ इनको आप पढ़ें ठीक है अच्छा अब आपकी नमाज पे सबसे ज्यादा कौन सी चीजें से डालती ये बताइए थोड़ा सा मुझे कि आप किस चीज से नमाज में बहुत तंग होते हैं किसी चीज से होते हैं कि आप तो माशाल्लाह बड़े चिल हैं कोई चीज आपको परेशान नहीं करते बड़े कूल हैं आप <laughs> बुरे ख्याल रकात भूल जाते हैं ख्याल बहुत सारी बातें बच्चों की आवाजें चले अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि खैर आप भूल जाते तो वो तो अलग बात है उसके लिए आप इनशाला सलाह सीरीज का आखिरी जो लेक्चर है ना उसमें सारी सदर साहब की बातें उसको आप पढ़ लें कि आपने क्या करना लेकिन आप देखें कि बाजात क्या होता है कि आपकी परेशानियां होती बहुत कुछ घर में मसले चल रहे होते हैं ना बच्चों मसले है, के, है, के मसले चल रहे हैं हस्बैंड के साथ चल रहे हैं ससुराल के मसले चल रहे हैं तो अब आप क्या करें कि आप अपनी उन सारी परेशानियों को दुआओं में बदल दें आप परेशानी को दुआ में बदल सकते हैं जैसे आप देखें मसलन मुझे परेशानी है कि मैं नमाज खड़े होके कैसे पढ़ूंगी मुझे इतनी कमर में तकलीफ है तो मैं अपनी इस परेशानी को दुआ में कैसे बदल बताए नहीं दुआ करके मुझे दिखाए ना लिख के बताए आप अपनी किसी भी परेशानी को दुआ में बदले आप देखें कि ये भी नहीं हमें आता ना कि हम परेशानी को दुआ में कैसे बदलें अब आप देखें जैसे आप ये दुआ करें या मेरे आजा को मजबूत कर दे या अल्लाह मेरे जिस्म को कवि बना दे या मेरे लिए नमाज में क्याम रकू सजदा करना आसान कर दे ठीक है आप भी स्पेसिफिक इन योर दुआ जैसे मसलन आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है बिल्कुल या अल्लाह मेक माई बॉडी फिट वेरी गुड या अल्लाह मेरी कमर में बहुत दर्द है मुझे शिफात आ फरमाए गुड अल्लाह माफी नहीं फी बदन नहीं ये तो पूरा बदन हो गया ना कमर का दर्द यानी जो आपको तकलीफ है ना अब आप देखें आप अपनी डायबिटीज की वजह से बड़े परेशान हैं तो अब आप क्या कहें या अल्लाह मेरी शुगर मेरे आजाब पे असरअंदाज ना हो या अल्लाह मेरी डायबिटीज़ की जो दवाइयां हैं उनके बुरे असरात से मुझे महफूज रखना आपको होता है ना जो डायबिटिक होते हैं एक तो उनकी शुगर हाई लो होती रहती है दूसरा ये कि ऑर्गन्स को डैमेज करती है और जब दवाइयां खाते हैं वो आप देखें कितनी हार्मफुल होती है ना लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो सब कुछ कर सकता है ठीक है तो आप अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह इन दवाइयों के बुरे असरा से मुझे बचा या मैं जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां खा रही हूँ उसके बुरे साथ से मुझे महफूज रखना या अल्लाह जो कैंसर डायग्नोज हुआ या आलमीन मेरे जिस्म से कैंसर का खात्मा कर दे या अल्लाह आप आप हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं या आलमीन जिस तरह आपने अपने अंबिया की मदद की या अल्लाह मेरी भी इस मुश्किल वक्त में मदद फरमाए अब आप देखिए जितने आप अपनी दुआओं में स्पेसिफिक होंगे उतना आपको सुकून मिलेगा आप बेटी की मैरिड लाइफ बड़ी uh, you know, बहुत डिफिकल्टीज वाली है आप क्या उसके लिए दुआ करें या अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे कर दें या अल्लाह मेरी बेटी को दीन दुनिया आखरत की खुशियां अता फरमाए या अल्लाह मेरी बेटी को अपनी इबादत में सुकून अता फरमाए या अल्लाह उसके जो भी मसले हैं या रबालमीन अपनी रहमत से उनके बेहतरीन हल कर दे या अल्लाहब और अपनाइत डाल या उसके बच्चों को उसका आ, या फर्मादार बना दे अपने बच्चों के दीन के लिए परेशान है या अल्लाह मेरे बच्चों को नमाजी बना दे या मेरा बेटा हर वक्त फून पे खेलता रहता है उसके दिल में फून की के लिए उसका दिल फोन से बेरगबत कर दे ठीक है क्योंकि आप देखिए ये तो नहीं हम कह सकते ना उसको फोन से नफरत हो जाए क्योंकि हमें भी तो बच्चों को फोन करना होता है मैसेज करना होता है तो अब आप क्या दुआ करें कि या मेरे बेटे के दिल को फोन से बेरगबत कर दे, उसे जरूरी कामों के लिए फोन इस्तेमाल कर अब समझ आ रहा है याला मेरे शोहर के दिल में फेसबुक <laughs> मेरे शोहर को फेसबुक से बेरगबत कर दे अल्लाह मेरे शोहर के दिल में खबरों से बे बेरगबती पैदा कर दे इन चीजों से हम कितने तंग होते हैं ना है ना तो अब तंग हो रहे हैं ना ये परेशान करती है ना आपको चीजें तो अब हर वक्त ये कहना के आप आप बस हर वक्त ये फोन पे बैठे रहते हैं आप हर वक्त खबरें सुनते हैं आप उस परेशानी को जो चीजें आपको तंग करती ना उनको दुआओं में दें आप भी खुश रहेंगे मुतमिन रहेंगे इंशाल्लाह उनका दिल भी बेरगबत हो जाए अब क्या है कि आपने पहले तो आप देखें ये करना है कि अपने सारी परेशानियों को जी दिया कि नाजिया ही बता रहे अब आप क्या करें कि अब आप इन सारी दुआओं को पहले लिखें परेशानियों को दुआओं में बदले अब आप इन दुआओं को नमाज में मांगें ठीक है अब अगला सवाल अब पहले मैं बात पूरी कर लू फिर आप सवाल कीजिएगा अब ये कि नमाज में हम किस वक्त दुआ मांग सकते हैं ना क्या क्याम में मांग सकते हैं रुकू में मांग सकते हैं कौमा में मांग सकते हैं सजदे में मांग सकते हैं तशाहुद में मांग सकते हैं तो आप देखें कि नमाज में क्याम में हमें कुरान की तलावत करनी रुकू में हमें तस्वीर करनी है कौमा में हमें हमद करनी है और सजदे में हमें दुआएं करनी ठीक है थीके? तो आप सजदे में दुआएं कर सकते हैं नमाज में इनशा पहले आपने सुबह रबी सुबह रबी अल अलाबहान रबी अल अला और फिर आप तशाहुद में दुआएं कर सकते हैं जो आपकी पर्सनल दुआएं हैं अपनी जबान में मैं अभी पूरा कर लूंगी थोड़ी सी मुझे इजाजत दे दें तो दे क्या ऐसा मुमकिन है कि हम नमाज में तिशाह के बाद हदीस में मौजूद किसी दुआ को गैर अरबी में मांगे आपका ये सवाल है ना? और क्या के बाद कुरानी दुआ मांग सकते हैं जो कि हदीस में मौजूद ना हो अगर नमाजी अरबी जबान में दुआ मांग सकता है तो उसके लिए गैर अरबी जबान में मांगना जायज नहीं ताहम अगर नमाजी को अरबी जबान में दुआ मांगनी नहीं आती तो वो अपनी जबान में दुआ मांग सकता है अलबत् इस दौरान अरबी जबान में दुआएं सीख ले। लेकिन खारिज अज नमाज किसी भी जबान में दुआ मांगी जा सकती है नमाज के बाद यानी इसमें कोई हर्ज नहीं बल्कि अपनी मादरी जबान में दुआ मांगने पर दिलो दिमाग भी दुआ में हाजिर होंगे तो अब आप देखें कि अब आपकी जो हाजत है आपकी बेटी की डिलीवरी है अब डिलीवरी से रिलेटेड तो कोई दुआ नहीं है ना अरबी में है कोई कि अल्लाह मेरी बेटी की लेबर आसान कर दे अब आप देखिए ये दुआ तो है कि नेक औलाद लेकिन वो भी अपने लिए बेटी के लिए तो नहीं है ना कि तो अल्लाह उसको नेक सौले तो ऐसी दुआएं जो अरबी में मौजूद ही नहीं है और आपको इतनी अरबी नहीं आती कि आप ट्रांसलेट करें तो आप अपनी जबान में मांग सकते हैं ठीक है या अल्लाह मेरी बेटी की प्रेगनेंसी आसान कर देना या अल्लाह मेरी बेटी को नेक औलाद अता फरमाना या अल्लाह मेरे बच्चों को नेक सौलह बना देना या अल्लाह मेरे बे, मेरे बेटे का मेडिकल स्कूल में दाखिला हो जाए ठीक है तो अब आप देखें अच्छा अब शेखुल इस्लाम अपने तहमिया कहते हैं दुआ अरबी या गैर अरबी में जबान में मांगना जायज है अल्लाह दुआ मांगने वाले के इरादे और मकसद को जानता है अगर दुआ मांगने वाले की जबान ही सीधी नहीं तो अल्लाह आवाजों के शोर गुल में ज़बान वालों को अलग अलग जरूरियात मांगने को भी जानता है ठीक है अच्छा क्या के बाद कुरानी दुआ मांग सकते हैं जो कि हदीस में मौजूद ना हो जैसे आप देखिए इतनी सारी हमें कुरानी दुआएं याद होती है ना तो कुछ तो हमें मिलती है लेकिन सब नहीं तो मांग सकते तो शाहुद में कुरानी दुआएं अगर अगरचे हदीस में ना भी हो तो उसमें कोई माने नहीं कुरान और सुन्नत दोनों में खैर बरकत है अंबियाए कराम और रसूलों की दुआओं का हमें कुरान मजीद से इल्म होता है और ये बात यकीनी है कि अंबियाए कराम की दुआएं और वली और हो जामे होती ठीक है शेखुल इस्लाम कहते हैं कि सब लोगों को चाहिए कि किताब सुन्नत में आने वाली दुआओं को अपनी दुआ का हिस्सा बनाएं क्योंकि इन दुआओं की फजीलत खूबसूरती और इनके सरात मुस्तकीम पर होने में कोई शक नहीं है ठीक है तो इसलिए आप देखें कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप उर्दू में पंजाबी में इंग्लिश में मलयालम में गुजराती में और कौन सी आप जुबान बोलते हैं? जो भी आपकी जबान है उसमें आप दुआ मांग सकते हैं पहले आप सजदे की दुआ मांग ले सुबह रबी रबी सुबह रब सुन और फिर उसके बाद आप अपनी पर्सनल दुआएं जितनी मर्जी मांगे फिर उसके बाद तशाहुद में एक दफा आप अतियात पढ़ लें दुरुषी पढ़ लें जो आपको मसनून दुआएं याद है वो पढ़ लें फिर उसके बाद जितनी मर्जी दुआएं मांग लें ठीक है जी हाँ फर् सुन्नत प्रफल हर एक को हो जी हाँ बिल्कुल उनके लिए भी कर ले। जी हाँ बिल्कुल कर ले। लेकिन मैंने आपको बता दिया ना कि सिर्फ सजदे में और तशाहुद में बाकी किसी जगह नहीं बस ये दो जगह दुआएं मांगने वाली और ये बहुत सारे हैं जिन्होंने अलहमद हमने बहुत सारे इसके बारे में अल्लाह का शुक्र है रिसर्च भी की पढ़ा भी और तब आपको ये खुलासा दिया सही है अब आप देखिए कि दुआ मांगे कैसे ना पहले तो ये कि सच्चे दिल से दुआ मांगे दूसरा ये कि मोहताजी का एहसास भी हो और तीसरा इस बात का यकीन हो कि अल्लाह कबूल करने पर कादिर है ठीक है तो ये तीन चीजें जब दुआ में होंगी ना तो इंशाल्लाह आप देखना आपकी दुआ कितनी खूबसूरत हो जाएगी अब आप देखिए कि हमें रमजान में क्या करना है रमजान जो है ना इज द मंथ ऑफ दुआस पहले तो आप आपके पास दुआ डायरी है आपकी है वेरी गुड बस आपने ना दुआ डायरी बनानी है और उसमें ये सारी अपनी परेशानियां जो है ना हमको दुआओं में कन्वर्ट करें और लिखें। और फिर रमजान के महीने में पूरा दिन आप देखें एक दिन रात होता है ना जब दुआएं कबूल होती हैं तो आपने दिन रात दुआएं मांगनी है इनशाला जितनी दुआएं मांग सकते मांग लें फिर इसी तरह आप देखिए अल्लाह ताला के सामने रोए अल्लाह ताला के सामने ना अपनी हाजत रखें और अकेले जब हो तो दिल की बातें करें अल्लाह तला से यानी मैंने आपको कुछ मिसालें दी है ना तो अब क्या करें वो सारी मिसालें अपने ऊपर अप्लाई कर लें रसूल ने फरमाया बेशक अल्लाह बड़ा रहीम और बड़े करम वाला है उसको इस बात से शर्म आती है कि उसका कोई बंदा उसके आगे अपने हाथ दोनों हाथ फैलाए और वो उनमें कोई खैर ना डाले ठीक है तो इसलिए आप देखिए अल्लाह ताला को ये बात पसंद है कि हम अल्लाह ताला से खूब खूब दुआएं मांगे इसी तरह आप देखें कि दुआ मांगने का अदब क्या है सबसे पहले अपने लिए दुआ मांगे फिर दूसरों के लिए मांगे यानी बाजवा हम कहते हैं, मैं अपने लिए मांगू हाँ ये क्या इतनी मैं सेल्फिश हो जाऊ सेल्फिश क्या अल्लाह से मांग रही और किसी इंसान से तो नहीं ना अल्लाह हमारा खालिक है मालिक है बिल्कुल और आप देखें कि अम्बिया की दुआएं कैसे शुरू होती थी जैसे इब्राहिम सलाम ने कैसे दुआ मांगी रबी जाल ने मुकमत सलाती अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना और फिर अपनी औलाद के लिए मांगे तो पहले अपने लिए मांगे फिर दूसरों के लिए ठीक है फिर आप देखें जब भी कोई इबादत मुकम्मल करे आजकल कर रमजान में आप कौन कौन सी इबादतें कर रहे हैं मुझे बताएं है जल्दी से किस किस इबादत के बाद आप दुआ मांगेंगे नमाज के बाद शाबाश रोजा रोजे के बाद कुरान की तिलावत के बाद सदक़े के बाद दौरे कुरान के बाद तहजद के बाद गुड तो आप देखें कि चार तो आपके मस्ट है ना टाइम हर नमाज के बाद चाहे वो सुन्नत नमाज है चाहे वो नफल नमाज है चाहे वो फर्ज नमाज है आप जो मसनून असकार है नमाज के करने के बाद फिर अपने लिए खूब दुआएं मांग दूसरा सहरी के वक्त आपने जरूर दुआएं मांगनी है बेशक सहरी बनाते हुए दुआएं मांगते रहे फिर तीसरा जब आप जैसे कुरान की तिलावत करें उसके बाद दुआएं मांगें फिर जब इफ्तारी का वक्त है उस वक्त दुआएं मांगे और इसी तरह आप देखें कि एकॉर्ड जो है वो ये कि जब आप सदका करें उस वक्त भी दुआ मांगे अजान के बाद दुआ मांगे शाबश ठीक है तो ये सारे इबादत के औकात हैं इनके बाद आपने दुआएं मांगी फिर इसी तरह आप देखें कि क्या आपको अल्लाह आते कोई कोई नाम लिखे जो अल्लाह ताला का आपको आता है लिखे कोई नाम लिखे जो आपको आता है रहमान, रमान रहीम शाबाश अल अलकुद अल खालिक अलजब्बार अलहन अलमन्नान वदूद वेरी गुड वेरी गुड बस अब आपने क्या करना है जो अल्लाह ताला के नाम आपको आते हैं ना और खास तौर पे कुछ नाम है जिनको अस्मा, अस्मा अल आजम भी कहते हैं ना और वो कौन से हैं या हयू या कयू याजुलजलाक्राम इन नामों से जब भी दुआ मांगी जाती है तो अल्लाह ताला कबूल करते हैं ठीक है थीके? इसी तरह आप देखें कि सूरह इखलास पढ़ के जैसे अल्लाह ताला के उसमें भी नाम आते हैं ना अल अहद असमद लमयलितमय यूल वमयुल्लू कुफुन अहद उसके बाद भी जो दुआ मांगेंगे कबूल हो तो जो अल्लाह ताला के नाम आपको याद है उन नामों को लेके फिर दुआ मांग इसी तरह आप देखें कि दुआ डायरी जो है ना वो एक दिन में नहीं बनती हर रोज जो आपके आपके दिल में दुआएं आती हैं ना वो लिखते जाए लिखते जाए जैसे आप देखें कि मुझे किसी ने कहा था कि आपने अपनी दुआएं शेयर की थी असल में आपको है कि वो दुआएं रैंडम थी जैसे मैंने कोई प्लानिंग करके शेयर नहीं की वो लिखी थी वो ऐसे था कि मैं रमजान की ताक रातों में अपनी डायरी बना रही थी और तीन चार दिनों में मैंने वो सारी लिस्ट कंप्लीट की थी दुआओं की ना मैं आपको इंशाल्लाह आखिर में दिखाती भी हूँ फिर इसी तरह आप देखें कि सहूर इफ्तार सुजूद और जुमे के दिन एक दिन और रात एक घड़ी होती है जब दुआएं कबूल होती तो इसमें आपने नहीं भूलना शहरी में दुआएं मांगनी है इफ्तार के वक्त उससे पहले दुआएं मांगनी है सजदे में दुआएं मांगनी है तो में भी यानी या, के बाद और फिर जुमे के दिन कल जुम्मा है ना अल्हम्दुलिल्लाह तो आप देखिए जुमे के दिन ना पूरा दिन एक घड़ी ऐसी होती जब दुआ कबूल होती असर और मगरिब के बीच में बिल्कुल नबी वसल्लम ने फरमाया बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है लिहाजा सजदे में तुम लोग बकस दुआ किया करो अब हदीस भी आ दलील में जी हाँ फर्ज सजदे में भाई सजदा तो सजदा है ना फर्ज है या नफल है क्या फर्क पड़ता है तो पता नहीं क्यों आपको परेशानी होती के खाली फर्ज आप देखिए सिर्फ एक चीज है कि फर्ज में आप कुरान से देख के नहीं पढ़ सकते लेकिन दुआएं तो आप मांग सकते हैं कोई हर्ज नहीं फिर इसी तरह आप देखें कि ये अलहमदिल्ला हम पहले भी देख चुके हैं इसमें एक और जो हिस्सा है इस, इस हदीस का वो ये है कि ये ऐलान फजर तक होता रहता है ताला क्या कहते हैं अब आपने क्या जवाब देना अच्छा अल्लाह आपको कह रहे हैं कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं कबूल कर लूँ आप इसका क्या जवाब देंगी पूरा जुमला बोल रहे ये अल्लाह मैं मेरी ये दुआएं प्लीज कबूल कर ले कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे कि मैं बख्श दूँ या अल्लाह मैं हूं गुनागार या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे कौन है जो मुझसे रिस्क तलब करे और मैं से रिस्क अता करूं या अल्लाह मैं हूं या अल्लाह अपना रिस्क मुझ पर कुछ अदा कर दे या अल्लाह मुझ पर मेरी फैमिली पे अपने के लिए अपने रिस्क के दरवाजे खोल दें या अल्लाह हमारे रिस्क में कुछ अता करें या अल्लाह हमें दूसरों की मोहताजी से महफूज रखें या रबुलम हम हमेशा सिर्फ आपकी मोहताज रहे इंसानों की मोहताजी से बचा लें या अल्लाह मेरा रिस्क इतना कुछ कर दें कि मुझे कभी किसी से मांगना ना पड़े अल्लाह से मांगे कौन है जो तकलीफ दूर करने की दरखास्त करे कि मैं उसकी तकलीफ दूर कर दू या अल्लाह मैं हूं या अल्लाह मेरी कमर में तकलीफ है या रब मेरी कमर के दर्द को दूर कर दें या अल्लाह मेरे घुटनों में एथराइटिस है या रब मेरे घुटनों के एथराइट से मुझे शिफा दे दें या अल्लाह मेरी हड्डियां पट्टे गोश्त जोड़ मजबूत कर दे या अल्लाह मुझे कभी मोमिन बना दे या अल्लाह मेरे लिए उठना बैठना चलना फिरना नमाज पढ़ना तवाफ करना सही करना पैदल मस्जिद में जाना आसान कर दे या अल्लाह मुझे व्हील चेयर की मोहताजी से महफूज रखे या अल्लाह मुझे दवाओं की मोहताजी से महफूज रखे या अल्लाह मैं जो भी दवाएं खाऊं या रब उनके बुरे असरात से मुझे महफूज रखे ठीक है बिल्कुल ये अल्लाह मुझे भी शिफा याब कर दें जो बीमार है उनको शिफा याब करते हैं अब ऐसे अल्लाह से बातें करनी आप सबने ठीक है आज से शुरू कर दें और ये ऐलान तो लुए फजर तक होता रहता है इसी तरह आप देखें कि अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आती आप क्या दुआ मांगे तो दुआओं के ऐप्स भी हैं एक तो दुआएं ऐप अलहमदल्ला बहुत ही जबरदस्त ऐप है या का ऐप है कुरानी मसूद दुआओं का ऐप है इनको आप यूज करें फिर सोने जागने की दुआओं का ऐप है फिर आप देखिए अलहमदुल्ला हमारी जो वेबसाइट है रमदान डॉट अलहुदा ऑनलाइन डॉट ओ आर जी उस पर हमने ये सारे अस्कार के कार्ड्स ना आपके लिए अपलोड कर दिए उसको आप स्क्रोल करें तो सारे आप उसमें कार्ड उर्दू तर्जमे वाले भी और इंग्लिश वाले भी ये सारी दुआएं अपने पास खोल लें खूब पड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने रब अल्लाह से डरो पांच वक्त की नमाज पढ़ो माह रमजान के रोजे रखो अपने माल की जकवात अदा करो और अमीर की अतात करो इससे तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओ स्टूडेंट्स ये बातें थी दुआओं से रिलेटेड चलिए मैं आपको अपनी पर्सनल दुआएं दिखा देती हूँ आपको आइडियाज देने के लिए और इंशाल्लाह अगर आपका दिल करता है तो हम आपसे शेयर भी कर लेते हैं क्योंकि ये उर्दू इंग्लिश दोनों में मौजूद है पहले मैंने उर्दू में लिखी फिर किसी ने कहा कि इंग्लिश उर्दू नहीं पढ़नी आती फिर हमने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दी उनके लिए अब आप देखें कि मैंने कुछ ज़ाती दुआएं रमज़ान और ताक रतों मांगने के लिए लिखी है इनशाला क्योंकि हम भूल जाते हैं जैसे जैसे मेरे दिमाग में आती कि मैं लिखती ही ठीक है थीके? शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि आइडिया हो जाए और अगर मैं कोई दुआ भूल रही हूँ तो प्लीज़ आप शेयर कर दें ठीक है आप खुद भी लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं अब आप देखिए सबसे पहले अल्लाह ताला के नामों से या अल्लाह या रहमान या हयू या कयूम या जुल जलाक्राम या रब हमेशा मुझसे राज़ी रहना और मुझे ऐसे कामों की तोफ़ी दें जो तुझे राज़ी करें और मुझे अपने पसंदीदा बंदों में से बना या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे मुझे ऐसे कामों की तोफ़ी दे जो मेरे अमाल नामे में इन गुनाहों को मिटा मिटा दें या अल्लाह मुझे सराते मुस्तकीम कुरान सुन्नत का रास्ता अता फरमा या अल्लाह मुझे और मेरे घर वालों को दीन पर इस्तकाम दे हमें गुमराह होने से बचा या अल्लाह मेरे और मेरे घर वालों के लिए हमेशा के लिए हलाल रिस के दरवाजे खोल दे या अल्लाह मेरे अखलाक पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तरह खूबसूरत बना दे या अल्लाह बोलने अमल करने और मामलात में मेरा अख्लाक बेहतरीन बना दे या अल्लाह मुझे और मेरे शोहर को बार बार हज और उम्र के लिए बुला रोजी के, र, के रास्ते हमारे लिए खोल और हर मरहले में आसानी फरमा या अल्लाह अपनी मोहब्बत को मेरे लिए मेरी जिंदगी में हर चीज और हर इंसान से ज्यादा कर दे या अल्लाह मुझे हिदायत दे और मैं उन लोगों से और अमलों से मोहब्बत करूं जिनसे तू मोहब्बत करता है या मेरे दिल को इन बातों से आज़ाद कर दे कि लोग क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं मुझे लोगों के रवैयों से बेनियाज कर दे या अल्ला मुझे उन लोगों में से कर दे जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है और जो अपने इम और अमल की वजह से अच्छे नक्श कदम छोड़ जाते हैं या अल्लाह मेरी सारी सलाहियतें अपने दीन की खिदमत में इस्तेमाल कर और मुझे दुनियावी मामला में ज़ाया होने से बचाना या अल्लाह मुझे और मेरे घर वालों को सेहतरमा और अपनी आफियत में रख या अल्लाह मेरे घर को मतकीन साबरीन और मोहसिन का घर बना दे या मेरे वाले को सेहत और खुशियों से नवाज उनको साबिर और शाकिर बना और उनका हर किस्म की बुराई और मायूसी से बचा या लह साजाफरत हाशमी को बेहतरीन दीन और दुनिया की सब भलाइयाँ ताफरमा उनको कामिल सेहतफरमा और उनको अपनी आफियत में रख या अल्लाह मुझे अपने वालदेन और उस्तादों की खिदमत करने के बेहतरीन मौके अता फरमा या अल्लाह मेरे वालिद की मफरत फरमा उनके दर्जात बुलंद फरमा उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा अताफरमा अल्लाह मेरे शोहर और घर वालों को हमेशा दीन के कामों में मेरा मददगार बनाना या अल्लाह हमारे घर वालों के दिल नरम कर और जो तुझसे दूर है उनको हिदायत अता फरमा अताफरमा अल्लाह मेरे रिस में बरकत और अता फरमा अताफरमा अल्लाह मुझे ईमान और इस्लाम की हालत में शहादत की मौत नसीब फरमाना या कुरान को मेरे दिल की बहार बना इसका हिफ्स करना मेरे लिए आसान बना और मुझे कुरान को खूबसूरत अंदाज़ में पढ़ने की काबिलियत अता फ़रमा अल्लाह मेरी ज़िंदगी को कुरान और रसुल्ला सल्ला वसलम की सुन्नत के मुताबिक ढाल दे या मुझे रसूल सल्ला वसम की सुन्नतों को जिंदा करने वाला बना और अल्लाह के बाद उनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला बना या जो कुछ मैंने सीखा वो मेरे अमल का हिस्सा बन जाए और अच्छे अमाल करने में मुझे इस नसीब फरमा अल्लाह मुझे लोग मुझे अल्लाह की खातिर लोगों से मोहब्बत करने वाला और लोगों को अल्लाह से जोड़ने का जरिया बना या अल्लाह मेरी जिंदगी से हर किस्म का झूठ रिया और निकाल दे और मेरे दिल में इन चीजों की नफरत डाल दे या अल्लाह मुझे हिम्मत और हौसला दे कि मैं अल्लाह के हकूक और बंदों के हकूक मौसनों की तरह अदा कर सकूं या अल्लाह मुझे मेरे घर वालों बच्चों शागिदों और हर एक के लिए अच्छा नमूना बना या अल्लाह मुझे दीन दुनिया और आखिरत की हर खैर नसीब फरमा या मुझे तोफ़ी दे कि बेहतरीन नमाज़ कायम करूं जो मेरी आंखों की ठंडक बने या अल्लाह छुटे हुए रोज़े रोज़ों को मुकम्मल करना आसान कर दे या अल्लाह मुझे मसनून रोज़ों में पीर और जो मेरा के रोजे और याम बेत के रोजों में मुस्तकिल मिजाजी अता फरमा या अल्लाह मुझे ऐसे अमाल की तोफ़ीक दे जिससे क़्यामत के दिन तेरा साया नसीब हो या अल्लाह मेरे सदक़ कबूल फरमा और क्यामत के दिन उन्हें मेरे लिए साया बना या अल्लाह अपने दीन के बेहतरीन काम के लिए मुझे चुन ले या लाला मुझे लोगों में इससे कर जिनको अपने रब का दीदार नसीब हो या अल्लाह मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दीन की खिदमत के लिए चुन ले या अल्लाह मुझे फिरदौस में अला मुकामत फरमाना या अल्लाह मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत फरमाना या अल्लाह मेरे दिल को हर किस्म के की कीनेे और मुनाफत से पाक कर दे या लेरी नीयत को हमेशा के लिए अपने लिए खालि कर दे या अल्लाह या अझे बगैर हिसाब किताब और सवाल जवाब के जन्नत में दाखिल होने वाला बना या अल्लाह मुझे इल्म हुनर और ऐसी सलाहियतें दें कि मैं गैर मुसलमों को अच्छे मवसर अंदाज में दावा कर सकूँ और उनको इस्लाम की तरफ बुलाऊं या अल्लाह मुझे चुन लें कि मैं उनको खास जरूरतों स्पेशल नीड्स के लिए प्लेटफॉर्म बना दू जहाँ वो दीन सीख सकें या अल्लाह मुझे अल्लाह से डरने वाले दोस्त नसीब फरमा या ला मुझे नेक और सौलेद नसी फरमा या ला मेरे बहन भाइयों को अच्छी सेहत खुशियाँ ईमान और बरकतें नसीब फरमा या अल्लाह मेरे सारे भांजिया भांजे भतीजे भतीजियों को मुतकी मोहसिन और अच्छे मुसलमान बना या अल्लाह दुनियावी तालीम में उनकी मदद कर उनको कामयाबी अता फरमा और उनमें दीन की मोहब्बत मजबूत कर या अल्लाह मुझे ना जहन्नुम की गर्मी दिखाना ना महसूस कराना या अल्लाह मुझे जहन्नुम की आग और उसकी सजा से महफूज रख या अल्लाह मेरी कब्र में पुर्सकून नींद अता फरमाना या अल्लाह मेरी कब्र को रोशन कुशादा और जन्नत के बागों में से बनाना या अल्लाह कुरान को इस दुनिया में कबर में और हशर में, में मेरा साथी बनाना या अल्लाह मुझे रसूल सल्ला वसलम की शफात नसीब फरमाना और हौज कोसर से पानी मिलाना पिलाना या अल्लाह अच्छी दुआ और अच्छी इबादत करने में मेरी रहनुमाई फ़रमाना या अल्लाह मुझे मेरे शोहर मेरी अम्मी मेरी बहनों भाइयों और उनके घर वालों को सेहत कामला अता फरमान हम सबको बुरी बीमारियों से बचा या अल्लाह मुझे मेरे घर वालों को जहन्नुम की आग से बचा और हमें ऐसे अमल से दूर रख जो हमें जहन्नुम या उसके करीब करें अगर कभी दुनियावी नेमतों से महरूम रहूं तो उसका अच्छा बदला मुझे आखिरत में देना या मुझे क्यामत के दिन की नदामत और शर्मिंदगी से बचाना या अल्लाह मेरे सारे छोटे बड़े अगले पिछले गुना खुले हुए या छुपे बख्श देना अल्लाह मुझे मेरे नफ्स के शर से बचाना या अल्लाह मुझे इल्म के साथ हिकमत अता फरमाना अपना और वालदेन का शुक्रगुजार बना नेमतों की कदर करने वाला बना या अल्लाह मरते दम तक मेरे सारे आजाक को सलामत रखना और मेरे ये हाथ तेरे सिवा किसी के आगे ना फैलें या दुनिया भर में मुसलमानों पर अपनी रहमत की नजर कर उनकी मुश्किलों परेशानियां दूर कर उनको गलबा अता कर दुश्मनों को मगलूब कर या ये रमज़ान मेरी जिंदगी का बेहतरीन रमज़ान बना और बेहतरीन रोज़े बेहतरीन इबादत बेहतरीन कयाम बेहतरीन ने क्योंकि माक अताफरमा या अल्लाह मुझे तकवा और खुशियत अताफरमा यह अल्लाह मुझे सब पर शक्र गुजारी ताफर माँ ये अल्लाह मैं तुझसे हर भलाई का कर सवाल करती हूँ जिसका सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और हर उस चीज से पनाह मांगती हूँ जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ने पनाह मांगी यह अल्लाह हमारी आने वाली नस्लों को दीन की खिदमत के लिए चुन ले और उनसे दीन की सरबुलंदी और अपनी रजा के काम लेते रहना या अल्लाह मेरी दुआ कबूल ठीक है रब्बना ना तकबल बहरहल आप देखें कि आपको लग रहा होगा रेपिटेशन भी इसमें काफी है वो इस से ये में लिखी हुई दुआ है ना जी हाँ इन हम आपसे तो आप अपडेट कर लें अपनी दुआओं ठीक है मैडिय स्टूडेंट इनशाला सबसे पहले तो जजाक मिला खैरन के सीरा आप सबके आने के लिए अल्लाहाना तला आपका आना कबूल फरमाए और मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन से आप सबको हेल्प भी हुई होगी और जो भी कंफ्यूजन से आपकी दूर करने में इंशाल्लाह ये सेशन मददगार रहा होगा आप देखें जाहिर आपके बहुत सारे सवाल आप भी मैं देख रही थी लेकिन आप देखें कि वही बात है कि हर चीज तो इस सेशन में कवर नहीं हो सकती थी ना लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी जितना वक्त था और जितना मौका था अल्हम्दुलिल्लाह उस हिसाब से आपको हमने गाइड कर दिया लेकिन एक चीज जैसे मैंने आपको पहले भी कहा ना कि आप Uh, मैं आपको ना थोड़ा सा बता देती हूँ क्विकली ताकि जरा सा आपको आइडिया हो जाए कि आप क्या कहाँ से जाके अलहुदा के चैनल को कैसे इस्तेमाल करें आप देखिए आप YouTube.com में जाएं और फिर आप यहां पे टाइप करें अलहुदा ऑनलाइन ठीक है तो अब आप देखें इसमें देखते सर्च में क्या आता है अब आप देखें ये हमारा ऑफिशियल चैनल है ठीक है ये अलहुदा ऑनलाइन है इस पे चले जाएं जब आप YouTube पे डालते हैं ना एट अलहुदा ऑनलाइन तो आपको ये गोल्डन से जो लोगो वाला ना ये हमारा चैनल अब आप देखिए इसमें फिर आप जाएंगे प्ले ठीक है अब आप देखिए कि जैसे आ, ये है इंग्लिश का दौरा कुरान पूरी प्ले है इसकी ये सूर रहमान की सारी जो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अःटेशन है उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स है ये है दौरे कुरान 2024 इसमें जो वेलकम सेशन में लेती रही से नमाज के भी और दूसरे भी और आज वाला सेशन भी वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगा ठीक है इसको आप यू क्लिक करें यू फुल प्ले लिस्ट देखें सारे लेक्चर अलहमदल डे वाइज इसमें ना दिए हुए पूरे अल्हमदुल्ला थर्टी लेक्चर्स और आज वाला लेक्चर भी हम इसमें डाल देंगे फिर इसके बाद आप देखें कि ये मैंने किता, किताब किताब सॉन्ग पढ़ाई थी वो उसका ये जैसे लेक्चर्स हैं ये आप सुन सकते हैं इसी तरह आप देखें कि ये ऑफ़ जक़ात पढ़ाई थी मैंने उसके लेक्चर्स सारे जकवात के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं फिर ये हमने उम्र के लेक्चर्स की ट्रेनिंग की थी वो है फिर ये हमारी ग्रेजुएशन फिर आप देखें ये जो है ना एस एल एच सिक्स ये देखिए इसमें ना आपको सारे नमाज के लेक्चर्स मिल जाएंगे ये देखिए इसके टोटल तेरा लेक्चर्स हैं और इसमें आप देखिए ये जैसे न, आ, से है ना सजदा सह व आखरी इसमें सारा दिया हुआ है तो आप इन सब लेक्चर्स को सुन सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप फोन पे देख रही कहाँ देख रही है जी हाँ इसमें काफी ये आप देखें ये जो मैं आपको सारी लिस्ट दिखा रही हूं ना ये सारे फ्री कोर्सेस हैं ये सारे पब्लिक के लिए ओपन है तो आप इसमें से कोई भी जैसे अब आप देखें ये जैसे हमने हज का कोर्स करवाया था पिछले साल ये उर्दू के लेक्चर्स हैं ये हज के इंग्लिश के लेक्चर्स हैं फिर इसी तरह ये हमारी ग्रेजुएशन प्रोग्राम कुरान उस्ताजा ने पढ़ा उसके लेक्चर हैं ये लैल की रिकॉर्डिंग्स हैं फिर इसी तरह आप देखें ये जो जर्टी का हिफ़्ज है इसका आप ये थर्टी फाइव इसके लेक्चर्स हैं इसको आप सुन सकते हैं फिर ये ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का दौरा कुरान है ये सारी चीजें आपके लिए ये इन इंग्लिश में पढ़ाई हुई है ये आपके लिए अवेलेबल है ये देखे बच्चों का कोर्स है पर्ल्स ऑफ कुरान तो ये सारे लेक्चर्स ये बच्चों के लिए नमाज का है इंग्लिश में ये भी बहुत अच्छे है सारे लेक्चर्स तो आप ये इन सारे लेक्चर से फायदा उठा सकते हैं ठीक है तो बहरहाल आपने हमारा चैनल कैसे ढूंढना है ये वाला है गोल्डन ग्लोब बस देख ठीक है चलिए डियर स्टूडेंट्स अब आप लोगों से फिर जिंदगी रही तो मुलाकात होगी Uh, इनशाला हमारा ट्वेंटी फिफ्थ को क्यामल सॉरी ट्वेंटी फिफ्थ रमादान को वो बनता है अप्रेल थर्ड साढ़े ग्यारह बजे इनशा uh, लैल का प्रोग्राम है आप उसको हमें अटेंड कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल्स में हैं तो इनशाला हम उसमें आपसे जूम का लिंक शेयर कर लेंगे अगर आपके पास दौरे कुरान का ये लिंक सेव है तो दौरे कुरान वाला ही लिंक होगा वहीं पे हमारे क्यामल लैल के प्रोग्राम है रात को साढ़े ग्यारह से लेके सुबह तीन बजे तक इनशा साढ़े तीन घंटे का प्रोग्राम है उसमें हम नवाफिल पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को फिर उसमें लेक्चर्स होते हैं उसमें दुआएं करवाते हैं थोड़ा सा कुछ हिस्सा आपको हिप्स भी कराते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े तीन घंटे में बहुत ही प्रोडक्टिव आपकी इबादत होगी इनशाला ठीक है चलिए बारकल उफीको सुबह नमदी अस्ताफिरतू लेकुम वरम वेसबुक ऑफ कर देंगे पाकिस्तान टाइम आप देखें रात के साढ़े ग्यारह होंगे तो पाकिस्तान टाइम होगा रात के सुबह के साढ़े आठ होंगे आपके तो आप सुबह ज्वाइन कर लें ठीक है और दूसरा ये कि मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं आप क्या करें गूगल में डालें वट विल बी माई कंट्री टाइम एट एलेवन थर्टी पी न्यूयॉर्क टाइम ठीक है तो वो जो भी टाइम निकलेगा वही होगा आपके पास वर्ल्ड क्लॉक नहीं है आपके फोन में है आपके फोन में वर्ल्ड क्लॉक उसमें डाले ना न्यूयॉर्क का टाइम तो पता चल जाएगा जब न्यूयॉर्क में रात को साढ़े ग्यारह बजे होंगे ना जी अप्रैल थर्ड को खेरे मैं आपको ना फ्लायर भी दिखा देती हूँ इनशाला अप्रैल थर्ड है इनशाला ये फ्लायर आगे, चले। आ, ये अब देखे उर्दू इंग्लिश दोनों में हमारा प्रोग्राम होगा जी आप जा सकती हैं प्लीज ये तो भी वैसे सवाल जवाब हो रहे आ, ये हमारा प्रोग्राम है अप्रैल थर्ड को शुरू हो रहा है रात को साढ़े ग्यारह से तीन बजे तक और इनशाला फेसबुक पे भी होगा और जूम में भी होगा ठीक है चलिए अलहमदुल्ला परल ये आ, क्लास का टाइम इंशाल्लाह के आमुल लैल प्रोग्राम का और ये पांच रातें इंशाल्लाह मुसलसल एवरीडे प्रोग्राम होगा क्योंकि वो सबकी ऑड और इवन नाइट्स डिफरेंट है ना तो हर रात इबादत का मौका मिल जाए नहीं कल कोई नहीं बस अब ये के अब आप सब अपनी पर्सनल इबादत पे फोकस करें आज हमारा लास्ट वर्किंग डे है ठीक है चलिए मैं एक दो दुआ पढ़कर कंक्लूड कर देती हूं इस कल हम भी हम थे اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته